आज मैं रमजान की पहली अफ्तारी बना रही हूँ, जो कि 23वां रमजान है यार, 22वां या 23वां रमजान है। आज मैं फर्स्ट टाइम पकोड़े बना रही हूँ। ये हमारी पकोड़ों, फाइनली ये मेरे बच्चे तैयार हो चुके हैं। जुम्मा मुबारक। अब प्लीज ये कमेंट नहीं, नंबर दे दो मैं सबको, आंखें बंद कर लो, सही है, समझ ले, बदतमीजी नहीं करो। तो यहाँ अब हम लोग अजान होने का वेट कर रहे हैं। हो चुकी थी नीचे गई, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाया, और अब वो ये है गरम गरम मेरे हाथ से पकोड़ा। क्यूट सी फ्रॉक है ये, देखिए ठीक प्यारी सी, ये जल को मैंने छठी पे पहनाई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज रमज़ान की जो है 17 या 18 सहरी है, तो मैंने सोचा कि उन्हें इतने दिन टाइम गुजर गया, मैंने सहरी से इफ्तार तक का एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो क्यों ना आज कोई व्लॉग अपलोड किया जाए सहरी से इफ्तारी तक, क्योंकि सबको तजस्स होगा कि क्या होता है सहरी से इफ्तार तक में मेरी लाइफ में। तो इस वक्त बज रहे हैं 4:20 और मैं उठ चुकी हूँ। आज इनफैक्ट आज मैं जो है सो ही नहीं पाई, क्योंकि जो है भाभी वगैरह के साथ हम लोग चेस वैल्यू गए हुए थे, वहाँ से सबूर के जो है कपड़े बिल्कुल ही ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, क्योंकि सबूर माशाल्लाह से उसने कद निकाल लिया है, और उसके कपड़े सफ़ान को आ रहे हैं, सफ़ान की तो ईद ही बल्ले बल्ले हुई हुई है, क्योंकि उसको इतने अच्छे अच्छे कपड़े और स्पेशली नए नए कपड़े भी सफ़ान को मिल गए। तो सबूर के लिए कुर्ते लिए, तो जाहिर सी बात है सफ़ान के लिए भी मुझे सेम मैचिंग के लेने ही थे, तो सफ़ान की डबल ईद हो गई, कि मतलब पहले से उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था कपड़ों को, उसके बावजूद उसके कपड़े और लिए मैंने। तो इन लोग के मैंने कुर्ते लिए, क्योंकि आज जुम्मा है, अब जुम्मा लग जाएगा, मतलब कल जो है 3rd जुम्मा होगा रमज़ान का। तो मैं इन लोगों के कुर्ते शलवार वगैरह लेने के लिए गई थी, वहाँ से आई हूँ, तो वहाँ से आते थे 2:30 बज गया मुझे, दो ढाई के अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम हो गया था। उसके बाद बच्चों की चीख चीख कुछ खाया, थोड़ा बहुत मैंने कुछ खाया घर आकर, उसके बाद बच्चों की चीख चीख इधर उधर टहलना, देखना कि मम्मा क्या लेकर आई हूँ, उसके बाद अब जाके बच्चे सोए थे, तो फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, कि सहर सी बात है अगर मैं इस वक्त सो जाती तो मेरे सहर में उठना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। तो फरहान तो फ्रेश वगैरह होके लेट गए, कि उन्हें वेट ही कि अब मैं सहरी बनाने के लिए जाऊँगी, आज मैं फर्स्ट टाइम नीचे उतरूँगी सहरी के लिए। वैसे मैं पूरे इतने रमज़ान गुजर गए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रही थी, तो मैं आज फर्स्ट डे है जो कि मैं सहरी बनाने के लिए नीचे उतरूँगी, उसमें भी मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज सबका प्लान है, वैसे तो डेली पराठे बनते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था डेली ऊपर पराठे आते हैं, बट आज हमारा प्लान है कि यहाँ पर करूँगी मैं नान चने, हाँ चनी चना पराठा, चना पराठा काफ़ी ज़्यादा फेमस है असद होटल का, आई थिंक फरहान असद होटल का है ना, हैं नुआन, तो इग्नोर, तो यहीं का कोई चना पराठा है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो मैंने बोला कि चलो आज ये मंगवा लो, क्योंकि काफ़ी थक भी गए हैं, तो मेरी आज की सहरी भी आराम से गुजरेगी, क्योंकि सबके लिए चने पराठे आ रहे हैं, बस चाय और पहनी वगैरह बनेगी, बस यही सारी चीज़ें होंगी जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो चले नीचे। तो यहाँ पर फिर मैं एक बार फिर मैं नीचे नहीं जा पाई, और जो है मेरे लिए सहरी ऊपर ही आ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था चना और पराठा मंगवाया था, तो यहाँ पे ये चना और ये पराठा ऊपर ही आ गया है, चाय भी ऊपर ही आ गई है, इनको नहीं पता था आज मेरा नीचे आने का प्लान है, तो मेरी ठानियों ने मेरी सहरी जो ऊपर ही भेज दी, तो मुझे यहीं पर ही करनी पड़ेगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नीचे नहीं जा सकती, और आप लोग मतलब मैं जा सकती हूँ, मेरी जो ठानियों ने ऊपर भेज दी, तो फिर मैं जाके क्या करूँगी। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट डे जो है लाजमी नीचे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे कैसे किस किस तरीके से हम सब मिलकर सहरी करते हैं, एक्सेप्ट मी। आफ्टर वीडियो आफ्टर पिक्चर फरहान के आप एक्सप्रेशन देखे कितना गुस्से में उठेंगे, ये देखिए इनको इरिटेशन हो रही थी कि मैंने इनको बोल दिया था कि प्लीज मेरे साथ एक पिक्चर बनवा लें। फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो रहा था, रुके ना रुके ना, आप सबके भी शोर भी इतने ज़्यादा खड़ूस हैं या नहीं, आप लोग भी मुझे बताएं। खैर मैंने यहाँ पे सहरी कर ली, और अब जो है मैं चाय तो ज़रूरी है, चाय लवर्स कहाँ हैं जिनके लिए चाय के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है, कुछ नहीं है चाय के बिना, सीरियसली।
और अफ्तार के बाद का चाय का सीन तो ऐसा होता है, दिमाग को जाके लगती है, ऐसा सुकून मिलता है दिली और दिमागी तौर पर, जिसकी कोई हद नहीं है। खैर यहाँ पे मेरी सहरी डन हो चुकी है और फिर अब नमाज वगैरह पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह से देखेंगे किस तरीके से रूटीन बनती है और मैं कैसा व्लॉग बनाती हूँ, तो आपको कल ही पता चलेगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और यहाँ पर जो है फरहान भर भर के पानी पी रहा है। फरहान फरहान कितना पानी पियोगे? तो यहाँ पर मैंने और फरहान ने वजू कर लिया है, ब्रश वगैरह भी कर लिया है और हम लोग अब हम लोग अजान होने का वेट कर रहे हैं। मतलब 5 मिनट होंगे अजान होने में और हम लोग फ्री होकर बैठे हुए हैं ताकि अजान हो भी जल्दी से हम लोग नमाज अदा करेंगे फजर की। ये वेट कर रहे, कह रहे थे मेरी वीडियो नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, थोड़ी बहुत तो मैं इनको दिखा ही सकती हूँ ना। फिर नंबर दे दूं मैं सबको, आंखें बंद कर लो, सही है, समझ ले। पत्ता भी तो नहीं करो। तो यहाँ पे अब हम लोग अजान होने का वेट कर रहे हैं। फाइनली मैं सुबह उठ चुकी थी, नीचे गई, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाया और अब मैं ऊपर आई हूँ और इन लोगों ने मुझे आज भी किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया। तो ये मैं कल चेस वैल्यू से कुर्ते लेकर आई थी फ्राइडे के लिए। सफान का ये है और सबूर का ये कलर है और जो है क्या कहते हैं दोनों के सेम मैचिंग, दोनों की सेम मैचिंग मुझे मिले नहीं और इन दोनों में चेंज ही मिले तो मैंने वही ले ली है, क्योंकि लेना जरूरी था। मैं जल्दी से इन लोगों को रेडी करती हूँ फिर इन लोगों को नमाज के लिए निकालती हूँ। ये देखिए मेरा रूम और अभी मुझे ब्लू का। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बच्चों के शलवारों में इलास्टिक वगैरह डाल रही थी क्योंकि जो है बच्चों को नमाज के लिए जुम्मे के लिए निकलना था। आज जुम्मतुल विदा नहीं था, मतलब जुम्मतुल विदा से मतलब सेकंड लास्ट जुम्मा था। तो मैंने सोचा था इस दफ़ा भी मैं, मतलब इस मैंने आप लोगों को बताया था सबूर के कपड़े काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए थे तो मैं लेकर आई थी, तो शलवार कमीज़ मुझे नई ही बनानी थी। तो यहाँ पर जो मेरी हेल्पर थी, क्योंकि पाँव में डैमेज होने की वजह से मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक हेल्पर रखी हुई थी, जिसकी वजह क्योंकि मैं बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पा रही थी तो वो मेरा कमरा जल्दी जल्दी समेट रही थी। आप अभी भी देखेंगे मैं थोड़ी लड़खड़ा के चल रही थी बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर मैं बच्चे तैयार होकर मस्जिद जा चुके थे और मैं एजल को रेडी कर रही थी। एजल के शर्ट का गला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मैंने उसको पीछे से जो है टाँका लगा दिया ताकि वो कवर हो जाए, क्योंकि मेरी एजल जो है काफ़ी ज़्यादा दुबली है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, जो जॉइंट फैमिली एक होती है ना, जॉइंट फैमिली में आपका रूम प्राइवेट नहीं होता है, प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता है पब्लिकली होता है। जैसे कि अभी आप आगे भी देख सकते हैं, मतलब कोई भी बच्चे आए जाएं ये वो, मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि हम किसी को रोकेंगे, हम किसी को मना करेंगे और हम लोग एक दूसरे को करते भी नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है हम लोग जिठानियाँ देवरानियाँ हम लोग इस तरीके से रहते हैं, कोई भी किसी के भी रूम में चला जाता है बे वक्त बे टाइम। अक्सर तो ऐसा होता है मैं भाभी वगैरह के सभा के रूम में रात के 2:30-3 बजे भी नौक कर देती हूँ। कुछ लोग अभी इस पर कमेंट्स करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए वो, बट हम लोगों में इस तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से झिझकें या कुछ कहें कुछ नहीं कहें। तो अभी भी बच्चे जब नमाज से आए फरहान जी, और ये देखिए फरहान आ चुके हैं और फरहान के साथ साथ जब बच्चे आए तो हुज़ैफ़ा आया समावी ये लोग सभी मेरे रूम में आ गए। तो हम लोग में से कोई भी इशू नहीं करता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जिठानी देवरानी के बच्चे कमरे में आए, कोई चीज़ ख़राब कर दी, कोई कुछ कर दिया तो दिल ख़राब कर लेना, मतलब यार इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर जॉइंट फैमिली में रहना है ना तो कहते हैं एक सब्र और बर्दाश्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और इसको आप खुशी से करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी। आप कुड़ कुड़ के करेंगे, गुस्से में करेंगे तो ये आप ही के लिए ख़राब होगी। इस चीज़ को नॉर्मल रखते हुए हर चीज़ को एडजस्ट करें तो यकीन करें लाइफ बहुत 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 अच्छे से संभलेगी। और कभी तो ऐसा होता है रूम में आकर मेरे क्या आपसे ज़्यादातर मानूर के कमरे में, मेरी जो देवरानी उसके कमरे में जाकर सर बच्चे, क्योंकि उसके कमरे में काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा उसकी चीज़ें डैमेज कर देते हैं और वो भी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे का माहौल एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग इसी तरीके से बनाई है। अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह ताला हम लोग इसी तरीके से रहेंगे और अल्लाह ना करे हमें किसी की भी नज़र लगे। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच अनबन नहीं होती है, मतलब हम सब में होती है, जाहिर सी बात है जब सब होते हैं तो हम, अगर बहन भाई भी होते हैं तो उनमें भी अनबने होती हैं, अगर जिठानी देवरानियों में हो तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती है।
तो यहाँ पे खैर यहाँ पे मैं बच्चों को रेडी कर रही थी कि जल्दी से सब रेडी हो जाओ, बाहर निकलो, मैं सबकी पिक्चर्स बनाऊंगी। और यहाँ पे देखे मैं इन लोगों की पिक्चर्स बनाने स्टार्ट करी। मैंने अपने बच्चों की बनाई, फिर सब जिठानी वगैरह सबके बच्चों की एक साथ बनाई। और यहाँ पे सारे लोग जो है मतलब जेंट्स लोग इन जुम्मा पढ़कर घर पर आ चुके थे। ये लोग जब घर में होते हैं जुम्मा पढ़कर आते हैं, अपनी अम्मी से गले मिलते हैं। और ये लम्हा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। ये लोग आपस में मतलब अम्मी से गले मिलते हैं, तो जुम्मा था, फिर हम लोग भी मतलब अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के अपनी सास के गले मिले। और ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ पे फरहान जो है मस्ती मजाक के ही मूड में थे। एक और सीन आ गया हमारा। जुम्मा मुबारक फैसल, जाओ तस्वीर खींचो, जाओ भाइयों से गले मिलो। आज जुम्मा है, जा गले मिल, चली जाओ, जुम्मा है, जाओ सबसे मिलो। वीडियो बन गई, फिर तस्वीर खींचूंगी। गले मिल लो, अब गले मिल लो, बार बार बोलना पड़ रहा है फरहान, गले मिल लो। अरे क्यों रो रही है भैया, क्या हो गया? सारे बच्चे पार्टी जाके दादी के साथ खड़े हो जाओ, सारे लड़के लड़के खड़े हो दादी के साथ, तमावे जा रहे हैं लड़के लड़के, सारे लड़के लड़के दादी के साथ खड़े। बुढ़ान का है मुबारक। रुखसार कहाँ है? आ रही हूँ, रुक जाओ। रुखसार, जुम्मा मुबारक बाजी, आपको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। जरीना बाजी मिलेंगे, वहीं तो आ रही हूँ मैं, अभी किसी को भी नहीं बोला था। मेरी जिठानी नाराज हो रही है कि मुझे नहीं बोला उन्होंने जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक काशी भाई, जुम्मा मुबारक काशी भाई, काशी भाई मुझसे मिल नहीं रहे। काशी भाई जुम्मा मुबारक ना, नहीं पहले जुम्मा मुबारक बोले, जुम्मा मुबारक। आप प्लीज ये कमेंट नहीं करेगा जेठ के गले लगने, वो मेरे भाई भी, समझ आई आप लोगों को? चलो भाभी मेरा दुपट्टा, मेरा हाँ तो लिया ही नहीं ना आपको ऐसे। सारी बच्ची जल्दी आ, आप तुम लोग भी नहा धो के कपड़े पहन लेना। जुम्मा मुबारक हो गया नहीं देख ना, इसको शर्म आती है। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, जल्दी से मैं फटाफट से ये रोटियाँ बना दूँ। भाभी ने आटा गूंद लिया था, मैंने नहीं गूंदा, और मुझे सिर्फ रोटियाँ डालनी है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, नीचे रोटियाँ वगैरह बना ली हैं। ऊपर मुझे थोड़ा स्लो स्लो चला जाता है क्योंकि अभी पाँव इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक सही से प्रॉपरली तरीके से ठीक नहीं हुआ है। इस तरीके से मैं चल भी रही हूँ, मैंने आप पहले देखते मैं किस तरीके से चढ़ रही थी, तो 15 से 20 मिनट मुझे ऊपर पहुँचने में लगते थे, और कभी कभी फरहान मुझे गोद में लेके ऊपर चढ़ते थे। तो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और अब जल्दी से मैं कमरा साफ़ करवाऊँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कमरा साफ़ करवाने के लिए मेरी हेल्पर है, क्योंकि नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे हो रही थी दोपहर के और रात के खाने की तैयारियाँ, जो है महानूर जो है पकोड़ों वगैरह अफ्तार की तैयारी कर रही थी, और नहीं महानूर जो है मेथी आलू पालक की भुजिया बना रही थी, और सबा जो है बर्तन हटा रही थी, और ईरम भाभी जो है कीमा वगैरह मतलब शामी कबाब की तैयारी कर रही थी। मतलब रात के खाने में हमारा मेन्यू था कि हम शामी कबाब बनाएंगे, दोपहर को मेथी आलू पालक की भुजिया। मतलब हमारे रमज़ान में भी जिसका रोज़ा नहीं होता, मतलब मेरी सास और बच्चे वगैरह सबके लिए लाजमी खाना तो बनता है, भले कम क्वांटिटी में बने लेकिन हमारे यहाँ बनना ज़रूरी होता है। रोटियाँ वगैरह जो थी वो मैंने डालनी थी। आज मैं रमज़ान की पहली अफ्तारी बना रही हूँ, जो कि 23वां रमज़ान है यार, 22वां या 23वां रमज़ान है। आज मैं फर्स्ट टाइम पकौड़े बना रही हूँ। ये हमारी पकौड़ों की मैंने पालक और प्याज काटी हुई है, और ये आलू पानी में भिगोए हुए थे, और ये मैंने बेसन निकाल लिया है। तो और ये हमारी कढ़ाई अब मैं बनाने लगी हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अब तक जो है मैंने कुछ भी अफ्तारी का नहीं रेडी करा था, मतलब एक दफ़ा भी नहीं बनाया था, और कल से मैंने फर्स्ट टाइम खाना बनाना भी शुरू किया, क्योंकि पाँव की वजह से मेरी भाभी मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही थी। अलग अलग लाख लाख शुक्र है।
और यहाँ पे बन रही है फ्रूट चाट की यहाँ पे तैयारी हो रही है। जूसेस वगैरह बनकर फ्रिज में रखे जा चुके हैं। जूसेस में हम लोग रूह अफ़ज़ा बनाते हैं और दूध वाला रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, पानी वाला रूह अफ़ज़ा बनाते हैं और लीमू पानी बनाते हैं, और कोई अदरवाइज़ कोई जूस वगैरह पीना हो तो वो बनाते हैं। अब चार तरह के हमारे जूसेस बनते हैं, हाँ, जिसको क्योंकि माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली है तो जिसको जो पसंद आता है वो पी रहा होता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी पकौड़े बनाना शुरू करूँ क्योंकि अफ्तार का टाइम हो रहा है। सो ठीक है, वो ये हैं गरम गरम मेरे हाथ के पकौड़े। इसमें हम लोग आलू भी ये लोग मिक्स करवाते हैं, तो आप लोग बताएं कैसे लग रहे हैं, सही बने या नहीं। और ये मेरा मसाला और ये दूसरी और यहाँ पे दस्तखान लग चुका था और जल्दी जल्दी से दस्तखान पे सारी चीज़ें लगाते जा रहे थे। आज का आप हमारा मेन्यू भी देखेंगे, मतलब हमारे यहाँ डेली ही मतलब हर तरह के पापड़ फ्राई होते हैं, मतलब लंबे हों, गोल हों, आलू वाले हों, चावल वाले हों, फलाना डिमाका, हर तरह के जो है पापड़ बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ मिक्स फ्रूट चाट बनाई जाती है जिसमें ऑरेंजेस को जो है नचोड़ा जाता है, और ये पकोड़े और आलू की कतलियाँ बनी हुई थी, और ये रिंग पापड़ थे, और जो है फुलकियाँ भी थी जो कि अभी आपको पीछे दिखी थी। हमारे यहाँ तीन तरह के जूसेस बनते हैं, फोर एक्स्ट्रा हो जाता है अगर किसी को और अलग से जूस बनना होता है। और यहाँ पर भी सारी प्लेटें बनती हैं, मतलब 10 से 12 प्लेटें हमारे यहाँ बनती हैं, मतलब नीचे ड्राइवर वगैरह को जाती हैं और फिर जो हेल्पर हैं उनके लिए रखी जाती है, और फिर आलू के समोसे, कीमे के समोसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं माशाल्लाह से। और तो ये सारी की जाए, और हमारा मेन मेन्यू जो होता है वो होती है बिरयानी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अफ्तार वगैरह कर लिया है, और अफ्तार के बाद जो है मैंने कारपेंटर के लिए काम रखा था, जो कि वो ये काम था कि ये वाली जो अलमारियाँ हैं जो मेरी सहन में रखी हुई हैं, ये मेरी ननन की अलमारियाँ थी जो कि इंतकाल कर चुकी हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो गई हैं, बहुत 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 ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मैं आपको दिखाती हूँ किस हद तक ये ख़राब हुई हुई हैं। और मेरे कमरे में स्पेस इतना कम था, इस वजह से मैंने यहाँ पे न्यू अलमारियाँ बनवाई हैं। तो मैं ये पूरी अलमारियाँ इसको पहले निकाल के खाली कर रही हूँ। इसमें कोट पैंट वगैरह सारी चीज़ें आप भी देख सकते हैं कितना डस्टी हो रहा है, मतलब आपने मेरे जितने भी इवेंट्स देखे हैं, जितने भी कपड़े हैं, सब इसमें रखे हुए इतनी मिट्टी के अंदर। तो मैंने इसके लिए न्यू अलमारी बनवाई, और ये मजदूर ऊपर आए ताकि ये जो हैं इसको साफ, मतलब सारी चीज़ें ये निकाल सकें और इसको कवर कर सकें। और जो मैंने नई अलमारियाँ बनवाई हैं स्पेशली कस्टमाइज करवाई, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आज ही आने वाली हैं वो, तो और आप लोग देखें किस किस तरीके से साफ होती हैं। आओ हिकमत, ये हिकमत है, एक मिनट, हिकमत है, ये शर्मा रहा है, कह रहा है देखो आप भाभी तुम व्लॉग नहीं बनाओगी वरना मैं आऊंगा नहीं। तुम लड़की हो हैं? और ये भी एक हमारे वर्कर हैं जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं। इनको इसका ना सारी चीजें निकाल के ना पहले ये सोफा खाली करो और फिर सारी चीजें इसके ऊपर रख दो, सही है, फिर ताकि और फिर ये अलमारियां निकलवाओ, ठीक है। तो अलमारी खाली हो गई है, मैं आप लोग को अपनी पुरानी चीजें दिखाऊं, तो यहाँ पर ये एक साड़ी निकली है, रुक सार खोल जरा, तो जल्दी खोल, क्यों लोगों को दिखाऊंगी ना। हाँ, लोग किससे मांगेंगे ना पहनने के लिए? नहीं ना, निश्चिचे क्या मांगेंगे। ये देखिए, ये साड़ी मेरी सास ने मुझे जहेज में बरी में चढ़ाई थी। ये साड़ी जो कि अभी तक मैंने स्टिच भी नहीं करवाई है, बनारसी है, खोल के भी नहीं देखी है मैंने कैसी है। आप ये देख सकते हैं इसका वर्क, और क्या निकला, ये सबूर के बचपन का कंबल है, ब्लैंकेट, और ये अम्मी ने सबूर को दिया था नहाने का बाद, छोटे बच्चों को ये सबूर का हाउस है। और ये इजल की छोटी छोटी सी फ्रॉक है, ये खोल, ये खोलो, ये खोलो, ये यहाँ से खुलेगा ना, ये देखो कितनी क्यूट सी फ्रॉक है, ये देखिए कितनी प्यारी सी, इजल को मैंने छठी पे पहनाई थी, और ये उस वक्त इतनी महंगी कोई फ्रॉक आई थी, ये देखिए कितनी क्यूट है ना। आयरा के भी नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, नहीं आएगी, बहुत छोटी है, ये देखिए कितनी छोटी सी फ्रॉक है और कितनी प्यारी फ्रॉक है, और ये बहुत महंगी ली थी मैंने क्योंकि मुझे बहुत खुशी थी एजल की, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी, मेरे मन में जो आया था मैंने उसके लिए लिया था, और फरहान ने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया था। और ये देखो, ये पता है क्या है, ये निकालो, ये पूरा, ए रुखसार,
ये पूरा बच्चों को कवर करने का है और ये मैंने जुबैदाज से लिया था और ये बहुत खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ से बच्चों को बंद कर दें, मतलब कंबल की तरह उड़ाते हैं और मतलब बिल्कुल फोल्ड करके सुला, मतलब यहाँ से स्लीव से हाथ निकलेंगे और ये पूरा कवर्ड है और बच्चों को इजीली पूरी रात सोने को दे रहे हैं। कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं ना। ये जलती रहो, तुम जलती रहो, सही है। सड़ी हुई चीजें बताऊं अभी इधर आ जरा। ये देखो हेजल की फ्रॉक छोटी सी, इतनी प्यारी प्यारी चीजें निकल रही है। ये बहुत ज्यादा अच्छी है। और क्या है वो, ये भी है, ये इतनी रेरी की, ये देखो ये सोवर सी फ्रॉक। मेरा ना दिल नहीं करता कि मैं किसी को दूं भी, और ऐसा लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि सारी चीजें बच्चों की दिल करता है बस संभाल संभाल के रख दो, किसी को दो भी नहीं, लेकिन हमें दे देना चाहिए ताकि दूसरे तो पहन सके, बट बस ऐसा होता है अपने बच्चों की चीजें बस यूं ही माएं संभाल संभाल के रखें। आप लोग भी रखते होंगे जरूर।